नमस्कार दोस्तों, हम राम क्लास यादव। दोस्तों, हमारे प्रतापगढ़ ब्लॉग चैनल में आप सबका स्वागत है। आज दोस्तों हम बात करने वाला हूँ कि बारिश के मौसम में अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि हमारे दूध का फैट स्नेप कम हो जाता है, तो इसके पीछे रीज़न क्या है, कारण क्या है, किस वजह से हमारे गाय भैंस के दूध का जो फैट स्नेप होता है कम हो जाता है। तो दोस्तों इसी बात वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आल पे क्लिक कर देना ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे और आप देख सकें। आते अपने मेन टॉपिक्स पर, और दोस्तों आपको मन कोई सवाल रहता है आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट के तहत हम रिप्लाई देंगे तो उसके हिसाब से आपको हम वीडियो बना कर देंगे। तो दोस्तों आते अपने मेन टॉपिक्स पर कि ऐसा क्या कारण होता है कि बरसात के मौसम में हमारे गाय भैंस के दूध का फैट स्नेप कम हो जाता है। तो दोस्तों रीज़न कई ऐसे देखने को मिले हैं। जो पहला रीज़न देखने को मिलता है वो यही है कि आपको देखने को मिलता होगा कि बारिश के मौसम में हमारे जो गाय भैंस होते हैं उनके दूध में कुछ बढ़ोतरी हो जाती है, चाहे अपने गाय भैंस के दूध में आधा लीटर या एक लीटर या डेढ़ लीटर, इतना आपको बढ़ोतरी यानी बढ़ा हुआ देखने को ज़रूर मिला होगा। और दोस्तों ये भी आप कमेंट करके बताएंगे आपके जो दूध का फैट स्नेप है कम हुआ है या उतना है या बढ़ा है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो जाहिर सी बात दोस्तों यही होता है कि अगर हमारे गाय भैंस के दूध बढ़ जाते हैं तब ये देखने को मिलता है कि उसका फैट स्नेप कम हो जाता है। कभी भी जैसे दूध बढ़ता है तो फैट स्नेप घट जाता है, अगर दूध कम होता है तो वो दूध मोटा हो जाता है और उसका फैट स्नेप बढ़ जाते हैं। और जो दूसरा रीज़न सामने आता है वो यही है कि बारिश यानी कि मौसम परिवर्तन से भी फैट स्नेप पर काफ़ी फर्क पड़ता है, काफ़ी असर देखने को मिलता है। अगर मौसम परिवर्तन होता है यानी गर्मी पड़ रही है, गर्मी से एकाएक बारिश होने लगी और माहौल ठंडा हो गया, तब भी आपको फैट स्नेप घटा हुआ देखने को मिलेगा। क्योंकि दोस्तों ऐसा भी होता है कि लोगों के पास बांधने की सुविधा होती है, किसी के पास नहीं होती है, तो जिनके पास बांधने की सुविधा नहीं होता वो बाहर भी खिलाते हैं, किसी जिसके पास बांधने की सुविधा है वो अंदर खिलाते हैं, तो बाहर में भी ऐसा होता है कि वो भीग जाती हैं और पानी के साथ में भी उन्हें चारा खाना पड़ जाता है। तो ऐसा भी होता है कि पानी और सानी जिसे कहते हैं, अगर हम पानी के साथ में चारा उन्हें खिलाते हैं तो उसमें भी फैट स्नेप डाउन हो जाएगा यानी कम हो जाता है। तो दोस्तों यही सारे रीज़न हैं हमारे गाय भैंस के दूध का फैट स्नेप कम होने का। दोस्तों जाते जाते वीडियो को लाइक करके जाएं। थैंक दोस्तों वीडियो वॉच करने के।